हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत। स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एनालिसिस करूंगा 22 दिसंबर पेपर वन एनालिसिस इवनिंग शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स, आज जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, ये आखिरी पेपर था। तो देखते हैं कि इसका लेवल कैसा रहा। तो इसका लेवल आज का जो लेवल रहा वो इजी लेवल रहा। तो जाते जाते यूजीसी एंड एनटीए नेट ने जो एग्ज़ाम है वो इजी कर दिया था। तो ओवरऑल इसका जो एग्ज़ाम है वो इजी लेवल रहा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो भी कुछ रहा, सब कुछ इजी लेवल ही था। स्टूडेंट ने आसानी से वो कर पाए, तो किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, आसानी से ये हो गया था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इजी लेवल क्या था। टीचिंग एप्टीट्यूड में से 7 क्वेश्चन आए थे, रिसर्च एप्टीट्यूड में से 7 से 8 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन में से 4 से 5 क्वेश्चन, पीपल एंड एनवायरनमेंट में से 4 से 5 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में से 4 क्वेश्चन, कंप्यूटर में से 4 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में से 3 क्वेश्चन आए थे। आप एक बात नोट कीजिए, जब से एग्ज़ाम हुआ है 18 दिसंबर से, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डाल रहे थे। इसका मतलब यह है कि टीचिंग और रिसर्च एटीट्यूड का जो पार्ट है वो काफ़ी स्कोरिंग पार्ट रहा। ये स्कोरिंग पार्ट तो रहा ही, साथ में इजी भी था। मतलब जिन स्टूडेंट का टीचिंग और रिसर्च, जिन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, उनका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो जनरल अवेयरनेस में से इन्होंने सबसे कम ध्यान दिया है, तो इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डाल दिए थे। तो पहले ये एक या दो ही क्वेश्चन डाल रहे थे। मैं यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने टीचिंग और सर्च को अच्छे से किया है, उनके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। टीचिंग और सर्च स्कोरिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि ये इजी था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो इसका जो लेवल है वो इजी लेवल ही था। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पोर्शन था वो टीचिंग एड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनमें से क्वेश्चन जो थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आए थे। कहने का ये मतलब है कि उन्होंने मेन फोकस इन्हीं के ऊपर किया था, जिससे क्वेश्चन जो पूछे गए थे और क्वेश्चन जो वो थे वो आसान ही थे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट था वो स्कोरिंग भी था और ईजी भी था। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च एथिक्स और वेरिएबल में से क्वेश्चन आए थे। तो इनका जो मेन फोकस था इन्हीं के ऊपर था, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान ही थे। जिन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा है वो इसको आसानी से कर पाए। तो मैं बात करूँगा कि ये जो रिसर्च का पार्ट था वो ईजी था। आप ये देखिए कि टीचिंग हो चाहे रिसर्च हो, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। इसमें बेसिक क्वेश्चन तो पूछे ही थे, साथ में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन थे जो कंसेप्ट के ऊपर थे, जो इजी थे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि साइबर सिक्योरिटी और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इस बार भी कुछ नया नहीं था, इसमें से क्वेश्चन आए थे आईसीटी में। क्योंकि ये थोड़े से इसमें से क्वेश्चन स्मार्ट बन सकते हैं, तो इन्होंने इसमें से क्वेश्चन डाले थे। अब बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की। प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने बताया कि जो पीपल एंड एनवायरनमेंट है वो रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट में से ही जो क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार भी ऐसा हुआ, इसमें से ही क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन वो डाल रहे थे पोल्यूशन के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर। तो इसका पार्ट भी वो ईजी ही था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में वही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया। तो इसमें इनमें दो तीन जो पार्ट है ना कम्युनिकेशन आईसीटी वगैरह में, इनमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही पुराने टॉपिक से ही क्वेश्चन जो है वो डाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आसान ही थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। तो पेपर जो था वो पेपर वन शाम की शिफ्ट में ईजी रहा। सुबह मॉडरेट लेवल था, तो शाम की शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ, शाम का शिफ्ट जो है वो ईजी रहा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी वही कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस,
एंड नंबर सीरीज़। इस बार इन्होंने साइलॉग्स भी थोड़ा सा बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया, तो ये भी बेसिक लेवल की थी, आसान थी। अब है डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। इसका लेवल भी इजी था, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन और साथ में इन्होंने इस बार एवरेज का क्वेश्चन भी डाल दिया, जो बेसिक लेवल ही था। स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी हमेशा डाटा इंटरप्रिटेशन करने में, तो इस बार जो लेवल है वो इजी आया है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो जब से 18 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, तो आज लास्ट दिन तक इसका जो लेवल वो इजी ही रहा है। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल भी इजी था, तो स्टूडेंट को मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये प्रॉब्लम आ रही है इनको स्क्रॉलिंग करने में। स्क्रॉलिंग करने में इनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। वैसे तो इसका लेवल इजी ही था, बस स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो NTN है, NTN नेट है, इस एग्ज़ाम में इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन उठाए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पेपर 1 के चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पक्का ही आए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर की अच्छे से तैयारी की होगी उनको ये क्वेश्चन ज़रूर पता होंगे। तो ज़्यादातर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो टीचिंग और सर्च में से ही आए थे। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं, तो ये पार्ट भी इजी ही रहा। तो फ्रेंड्स, वही बात जो मैं अपनी हर वीडियो के एंड में करता हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप UGC का एग्ज़ाम तो करोगे करोगे, साथ में कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से कर लोगे, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे बैंकिंग लेवल हो, चाहे SSC हो, चाहे UGC हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपको चीज़ की समझ होगी, तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्लियर कर लोगे। क्योंकि होता कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट में समझे क्या, ये देखिए, हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई एंड हाउ, जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है इसको अच्छे से समझिए। यही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो निर्धारित करता है। अगर आपको ये 5 W और 1 H, अगर आप हर पोर्शन को इसके समझ लोगे, हर टॉपिक के पोर्शन को इस दौरान समझ लोगे, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन डाल दें तो वो आसानी से आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से गुड लक। आज ये लास्ट वीडियो थी पेपर 2, पेपर 1 शाम की शिफ्ट, जो इवनिंग शिफ्ट है एनालिसिस की। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो जैसे ये गुड लक लिखा है रंगीन शब्दों में, तो आई होप आपका रिजल्ट भी ऐसा ही रंगीन ही आए, तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी रंगीनियत हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं 10 जनवरी 2019 को कि क्या क्या रिजल्ट आता है। मैं ही आशा करूँगा कि सबका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए, तो सभी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर दें। अगर जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता इस बार, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जून और जुलाई में फिर से एग्ज़ाम होगा, तो आप उसकी तैयारी में जुट जाना, तो उसको आसानी से कर लेना। क्योंकि चाहे एक बार ना सही, अगर आप प्रयास करते रहोगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, आप इसको ज़रूर अच्छे से कर पाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये मेरा बनाया वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी सूचना कि मैं अगली कल वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा कि ओवरऑल UGC की कट ऑफ वो कितनी रहेगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना। तो कल तक मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप में से UGC के अलावा आपके दोस्त या आप या कोई भी आपके रिश्तेदार कोई भी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे IAS, PCS, SSC, बैंक, PSTET, CTET, कुछ भी, तो आप हमारे
चैनल को, चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर मैथ और पॉलिटी आपको कई तरह की जो वीडियोस मिल जाएंगी। ये जो हमारी वीडियो वो पंजाबी मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। साथ में हर वीडियो के अंत में टॉपिक समझाने के बाद आपको काफ़ी एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आपको कहीं पे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी भर चैनल आपके सभी के साथ है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।